सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट अब मैंने आप लोग को सेक्शन वाइज तो मार्किंग करवाती है अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि ना आपने अपनी बी को प्रिपेयर कैसे करना है फॉर प्रॉफ सो आप लोगों ने ना इसका एक ही रूल रू है वो ये कि ना ये सब्जेक्ट बहुत आसान है लेकिन इसका पेपर बहुत टेक्निकल बहुत ट्रिकी होता है ठीक है सीधी सीधी बात नहीं पूछी हुई होती मैंने आप लोगों को मार्किंग करते हुए बताया था कि आठ से नौ लाइंस का सिनेरियो डाल के और बहुत आसान बात पूछी होती है और इंसान ना वो आठ से दो आठ से नौ लाइन्स पढ़ने में ही थक जाता है कुछ समझ नहीं आती कि करना क्या और लिटरली मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं एथ लाइन पे पहुंचती थी ना तो मैं उस वक्त ना बिल्कुल फेटअप हो जाती थी मुझे समझ नहीं आता कि अब क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने का है भी या नहीं है लेकिन आप लोगों ने नहीं थकना क्योंकि मेन बात जो होगी सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन उन्होंने लिखी हुई होगी अब आपने इसको तैयार कैसे करना है मैं ना आप लोगों को एक चेक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी उसमें ना अप्रॉस थर्टी थ्री क्वेश्चन हैं ठीक है आप लोगों ने ना अपनी वो फ्रेंड से फ्रेंड से कर लेना और साथ क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैंने ना साथ पेज नंबर में फ्रेंड का लिखा हुआ है तो आप ना उसका फ्रेंड से ना इसको कर लेना अब इस थर्टी थ्री क्वेश्चन से क्या होगा इससे ना पूरी बेस जाती है रिवाइज़ और आप लोगों ने यह चेकलिस्ट कब यूज़ करनी है ये जब यूज करनी है जब आप अपना प्रॉफ की फाइनल रिवीजन कर रहे होगे ठीक है इससे एक दफ़ा गो थ्रू करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो पांचों सेक्शन है वो एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे बहुत अच्छे से तो आप लोगों ने पहले जो है वो मैंने जब सेक्शन की सेक्शन वाइज मार्किंग कराई थी तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ लिखवाए थे वो कर लेना और एंड में फाइनल रिव्यू यानी फाइनल टच देने के लिए ये चेक लिस्ट यूज़ कर लेना एंड में मैं ये चेक लिस्ट जो है वो पेश कर देती हूँ आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना और इसके अलावा जो आप लोगों ने क्या करना है जो मबादत के ना एंड में एम सी क्यूज़ दिए हुए हैं आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स के एंड में एम सी क्यूज दिए हुए हैं आप लोगों ने वो सॉल्व करनी है इसके अलावा जो भी पास पेपर के क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स की मबादद के फ्रेंड्स के जो भी पास पेपर के जो एम सी क्यूज है आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं ये करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो बी एस की तैयारी वो बहुत अच्छी हो जाएगी सो so, पेपर बहुत अच्छा करना है और इसका एक ही रूल है कि पेन बंद नहीं करना मुझे मेरी टीचर ने बोला था कि वो अनैटमिक की लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बीएस पेपर बीएस का पेपर करते हुए ना आपने अपना पेपर पेन का ना जो कैप है ना वो बंद नहीं करनी और बस जब मैं बी का पेपर दे रही थी तो मेरे पर दिमाग में ये था कि फ़रा तुमने ना रुकना नहीं है तुमने लिखना है बस जो भी हो लिखना आता है या नहीं आता आप लोगों ने लिखना है फिर मैंने अपने साइड पे देखा था हम लोग ऐसे बैठे होते थे, थे कि यहाँ एम वाले या बखतावर अमीन वाले या एम वाले फिर बखतावर अमीन वाले और मैं इधर बैठी होती थी और जब मैंने देखा कि मेरे सारे रोज़ ने ना अपना हेड डाउन कर लिया था मतलब उनका पेपर मुश्किल लगा था तो आधी मेरी हिम्मत इनको देकर टूट गई थी लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना सर नहीं उठाया कि अगर मैं साइड पर देखूँगी तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी और मैंने अपना पेपर सॉल्व करना है लिटरली मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं बी में तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि बस जब पेपर आ जाएगा ना अपने पेपर के ऊपर देखना और लिखना बंद नहीं करना और ये भी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके लिखो रेलिवेंट लिखना है अपनी हेडिंग्स के साथ लिखना बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देकर लिखना है